सरकार में सामाजिक न्याय के ऊपर, दलित, पिछड़े और शोषित और वंचित और महिलाओं के ऊपर संगठित रूप से हमले हुए हैं। जल जंगल हम जमीन हमारे छीन लिए गए हैं और हमारी जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस बाबा साहब के बाद हुई है उसको भी हमसे छीन लिया जाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। जो सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, उसको जगाने के लिए आए हैं। यह सरकार जो है वो ओबीसी के नाम पर, मोदी ने ओबीसी के नाम पर वोट लिया, प्रधानमंत्री बना और ओबीसी के लिए और दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। 30-point roster के विरोध करने के लिए आए हैं। आदिवासियों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उस पे सरकार से हम बिल की मांग करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं सर। आरएसएस के एजेंडे पर जो भी काम करेगी सरकार वह यही करेगी, क्योंकि आरएसएस का जो एजेंडा है वह दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है और ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करने वाले और मनुवाद को सपोर्ट करने वाला एजेंडा है। छाया अगर दुसार मुसर चमार का पड़ जाता किसी ब्राह्मण के शरीर पर, किसी राजपूत के शरीर पर, तो वो स्नान करते थे तब खाना खाते थे। इतना छुआछूत हमारे भारत वर्ष में था। अगर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया है तो आप इन तमाम छात्रों का जबान ले रहे हैं ताकि वो पढ़ा ना सके। ये 13-point roster कानून से करोड़ों एकलव्य का अंगूठा कट जाएगा। जरा सा भी तो समझ होना चाहिए कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ हम कर क्या रहे हैं। आप ये चाहते हो कि विश्वविद्यालय में एक से एक छात्र न पहुंच पाए, एक PhD न करने वाला पहुंचे, एक प्रोफेसर न बन पाए। आप ये कैसा समाज बनाना चाहते हो, कैसा नया भारत आप बनाना चाहते हो जो आपका नारा है? ऐसा है कि सरकार को हमने पूरी बात बता दी अपनी कि हम ये जो बेदखली चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी से, टीचिंग पोस्ट से और जल जंगल जमीन से, अपने घरों से, हमारे देश की 85% जनता की, वो हम सहेंगे नहीं। और अगर ये अध्यादेश कल तक नहीं लाते हैं, ऑर्डिनेंस नहीं लाते हैं हमारा 200-point roster रिस्टोर करने के लिए, तो इसके बाद हमारी जो जंग होगी वो इस सरकार के खिलाफ, ताकि ये पार्टी पावर में दोबारा ना आए। आदिवासियों को बेदखली वाले फैसला जब आया, शर्मनाक है कि मोदी सरकार के लॉयर भी उसमें शामिल नहीं थे सुनवाई में। कहीं से दलित आदिवासियों को कहीं से जंगल से निकाल रहे, कहीं दलित का रिजर्वेशन नहीं हो रहा, कहीं SC ST का रिजर्वेशन नहीं हो रहा, ये क्या कर रहे हो आप? ये पूछने के लिए मोदी को, ये सरकार संभालना, ये देश संभालना आपसे नहीं होगा, तो आप निकल जाइए ये देश से। मोदी हटाइए, देश बचाइए, यही हम लोगों का इस मार्च का संदेश है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर आरक्षण पर हमला कीजिएगा तो हम आर्टिकल 14, 15, 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेकर, हाथ में संविधान लेकर हम इस सड़क पर आएंगे और हम देश की जनता को बताएंगे कि आप सोशल जस्टिस को और दलितों को, मुसलमानों को और तमाम वंचित लोगों को मारना चाहते हैं। आप खत्म कर देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो आवाज़ देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ती है। हम चाहते हैं कि 200 point जो इंस्टीट्यूशन को एज ए यूनिट मानकर बनाया गया है उसकी वापसी करें अध्यादेश के माध्यम से, ताकि उनका एक मुकम्मल प्रतिनिधित्व हो सके शैक्षणिक संस्थानों में। तो यह दो मुख्य मुद्दे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए संविधान को, लगातार संविधान के जो जितने एक एक संस्थाएं हैं सबको यह सरकार लगातार ध्वस्त कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने, सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया और जो 200-point roster जिससे कि बहुजन की भागीदारी इन्वेस्टमेंट में सुनिश्चित हो रही थी वो पूरी तरह से कर्टेल हो जाती है, उसके एवज में 13-point roster ले आते हैं जिसमें कि आप सोचिए कि उनके विजन में ST है ही नहीं, उसका 14th पे नंबर आ रहा है और 13th पे ये खत्म हो जा रहा है रोस्टर। या तो आप संविधान के अनुसार चलिए, संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुसार काम कीजिए, और यदि संविधान की आप खिल्ली उड़ाएंगे, संविधान को बर्बाद करेंगे, तो देश की जनता आपको 2019 का जो अप्रैल मई का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें आपको बख्शेगी नहीं। कल कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है सरकार की, जो सरकार की अंतिम कैबिनेट है। अगर उन्होंने इस कैबिनेट में हमारी बात को नहीं मानी तो ये सरकार को हम हराने का काम करेंगे आने वाले लोकसभा में। झूठे हैं भाई, झूठा है नरेंद्र मोदी, झूठा है सरकार चौड़कर, झूठा है, झूठा है भाई, झूठा। अमरदार वाला, रोस्टर, और फिर सा वाला, रोस्टर, तो खुलने वाला, रोस्टर।
को जल जंगल और जमीन इससे बिल्कुल हटा देने की साजिश है और उस पर अडानी और अंबानी जैसे लोगों को हावी करने के लिए उन जमीनों को उसको देने के लिए एक साजिश है। जबकि जंगलों की सबसे ज़्यादा अच्छी सुरक्षा वो आदिवासी ही कर सकते हैं, वह जानते हैं कि जंगल की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। देश ही नहीं पूरा विश्व आज पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर जंगलों पर भी अगर इन पूंजीपतियों का और हन्ना सेठों का अडानी का अंबानी का अगर अधिकार हो गया और वहाँ भी फैक्ट्रियाँ कायम हो गई तो फिर पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा और वो लोग जाएंगे कहाँ, जबकि उनकी अपनी भूमि है, उस भूमि से उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। वापस लो। वापस लो। वापस लो। वापस लो।